सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपका दोस्त तुषार लेके आपके सामने नए दिन के साथ में नया वीडियो। गाइज आज मेरा टॉपिक है वो हॉकी के ऊपर है कि हॉकी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, किस एज में ज्वाइन कर सकते हैं, आगे क्या क्या फैसिलिटी हमें मिलती है। तो इसके लिए आज मैं आया हूँ जयपुर के SMS स्टेडियम और ये है जो मेरे पीछे ग्राउंड है SMS स्टेडियम का, और मैं आपको मिलवाने वाला हूँ राजू जी से। ये हैं हमारे नेशनल मेडलिस्ट, स्वागत है आपका हमारा चैनल पर। और आपके जो अचीवमेंट है वो मुझे याद तो नहीं रहे क्योंकि आपके काफ़ी सारे अचीवमेंट है, तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइबर्स को बता दीजिए थोड़ा कि आपने क्या क्या अचीव किया अभी तक। मैं हॉकी में 10-11 साल से खेल रही हूँ, बट मेरे रिसेंटली अचीवमेंट ये है, मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और ऑल इंडिया लेवल पर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। जी और जी, और उसके अलावा नेशनल रिप्रेजेंट करा 2018 में, कैंप कराया मैंने, नेशनल कैंप करा बेंगलुरु में जी, एंड फिलहाल 2 साल से हॉकी बंद है तो बस प्रैक्टिस। चलिए और आज हम अपने सब्सक्राइबर्स को बताने वाले कि हॉकी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ सवाल आपसे पूछने वाला हूँ, तो उसका जवाब आप दीजिएगा। sure. सबसे पहला यही सवाल है कि हॉकी में ज्वाइन करने की जो मिनिमम एज है वो कितनी है? देखिए ऑफिशियली आप इस तरह से हम किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते कि एक बच्चा हॉकी खेलना कब शुरू करेगा जी। लेकिन ठीक है, हम सोचते हैं 8-9 साल तक, क्योंकि स्टिक की जो एक लंबाई भी होती है उस हिसाब से, और 8-9 साल तक बच्चा अपनी फिटनेस में थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर देता है तो फिर वो स्टिक पर शुरू कर सकता है जी। और जो मैक्सिमम एज है, मतलब बड़े से बड़ा कितने एज तक का यहाँ पे आ सकता है ज्वाइन करने के लिए? कोई एज नहीं है, आप जब तक चाहे आ सकते हैं, आप आइए खेलिए, और जब तक बॉडी के अंदर क्षमता है हमारे, जब तक खेल सकते हैं, स्टिक संभाल सकते हैं, मैदान में खड़े हो सकते हैं, आप आइए खेलिए, कोई एज नहीं होता उसका। और इसमें जो स्पोर्ट्स कोटा होता है हॉकी के अंदर गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए 2% तो दे ही रखा है सारी जॉब्स के लिए, जो भी राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब है उसमें। इसके अलावा अभी आउट ऑफ टर्न करके हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने निकाला है, खेल मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया उसके लिए, जिसमें आप नेशनल मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल है, या बाकी आपने इंटरनेशनल लेवल के जो भी टूर्नामेंट्स खेले उसमें मेडल के बेसिस पे आपको जॉब दी जाती है, तो ये काफी अच्छी शुरुआत है। आउट ऑफ टर्न जॉब वाला, आउट ऑफ टर्न वाली है, वो काफी अच्छी शुरुआत है। और अगर कोई SMS स्टेडियम में आ रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसको कोई इक्विपमेंट वगैरह फ्री मिलता है या अपना ही लाना पड़ता है? बिल्कुल उसको मिलता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप लाइए, लेकिन अगर आप ऐसे आप खेलना चाहते हैं और आपके पास नहीं इक्विपमेंट, तो यहाँ पर आया स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से मिलता है, यहाँ पे कोचेज अनिल मैम, प्रशांत सर है, वो बहुत हेल्प करते हैं बच्चों की, जो भी नीडी बच्चे हैं उन्हें जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करवाया जाता है जी। और यहाँ पर प्रैक्टिस करने की क्या फीस है? नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोई फीस नहीं है, आइए बस आपको हॉकी खेलनी है, फिट आप बस खेलिए। बिल्कुल यहाँ पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको प्रैक्टिस मिलेगी, ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे जो मैम है सर है उनसे मिलेगी, हमारी इतने अच्छे अच्छे प्लेयर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो मैम एक और बात बताइए, जैसे कोई SMS स्टेडियम नहीं आना चाह रहा है, तो जयपुर में और कोई ग्राउंड है इसका हॉकी का? हाँ, हॉकी का है, टफ तो जयपुर में एक ही है, लेकिन इसके अलावा चौगान स्टेडियम है जी। तो वहाँ पर भी आप हॉकी, अगर वो पास में पड़ता है तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी यूनिवर्सिटी ग्राउंड है वहाँ पर आप जा सकते हैं, बट एज लाइक अभी हॉकी इसी लेवल पे जो बड़े लेवल पे खेली जाती है वो इसी ग्राउंड पे खेली जाती है, यही सरफेस होता है सब जगह, तो आइए आप यहीं पे प्रैक्टिस कीजिए। और जैसे मान लीजिए अगर कोई बिगनर आ रहा है नया बच्चा, वो कितने घंटे प्रैक्टिस करेगा सुबह और शाम को? देखिए इसमें ज़्यादा हम ये नहीं कहते कि आप सारा सारा दिन यहाँ लगे रहिए, 2 से 2.5 घंटे बिगनर के लिए काफ़ी होते हैं, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग जो होती है इसमें आप रनिंग वगैरह है, फिटनेस है, ये सब मिला कर, उसके बाद स्टिक वर्क के साथ भी हमारा रनिंग ही होता है बेसिकली, तो 2 से 2.5 घंटे अगर एक बच्चा अच्छे से मेहनत करता है बिगनर जो है वो उसके लिए सफिशियंट है, एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का एथलीट है तो उसके लिए हम 3 घंटे 3.75 घंटे वो डिपेंड करता है, बाकी पर्सनल स्किल जो होती है जैसे ट्रैकलिक है, स्लैपशॉट है, या बाकी किसी भी स्किल पे किसी को काम करना है तो वो अपने हिसाब से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकता है। अभी ओलंपिक चल रहे हैं फिलहाल, तो ओलंपिक को देखते हुए कि अगर कोई बच्चा ओलंपिक का सपना लेके यहाँ पर आता है तो उसको क्या क्या टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं और सेलेक्ट कैसे होता है ओलंपिक के लिए वो? देखिए ओलंपिक खेलने के लिए हमें पहले तो आपकी मेहनत है, उसके बाद आप स्टेट टीम से नेशनल टीम में जाते हैं, नेशनल टीम में आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने स्टेट को या एकेडमी या डिपार्टमेंट से जिससे भी आप खेल रहे हैं, उसके बाद एक सेलेक्टर की टीम होती है वहाँ पर, तो वो आपकी परफॉर्मेंस देख के आपको सेलेक्ट करती है, उसके बाद आपको बेंगलुरु में हमारा कैंप लगता है, नेशनल कैंप जो है वहाँ पर कैंप के लिए बुलाया जाता है, फिर 8 से 10 दिन की ट्रायल होती है, ट्रायल अगर आप क्लियर कर लेते हैं वहाँ पर, अगर आप फिट है तो उसके बाद आपको कोर टीम में डाला जाता है, फिर कोर टीम में रहते हो आप 1 साल 2 साल उस टीम के साथ ट्यूज करते हैं, दूसरी टीमों के साथ खेलते हैं तो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उसके बाद आप कोच जो है उनको लगता है कि इन्हें मेन टीम में डाला जाना चाहिए, तो आप बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयार रहते हैं लाइक वर्ल्ड कप, एशिया कप, ओलंपिक। और इसी तरीके से अगर कोई नया बच्चा अगर कोई बिगनिंग स्टार्ट कर रहा है, तो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो टीम होती है उसमें कैसे सेलेक्ट होते हैं? मान लीजिए काफी सारी भीड़ आ रही है वहाँ पर, तो काफी सारे बच्चे आते हैं ट्रायल देने के लिए, तो सेलेक्ट कैसे होता है टीम के लिए? एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रायल्स नहीं होते हैं, हमारे यहाँ स्कूलिंग सिस्टम से शुरू किया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ स्कूल से टीम बनती है स्टेट के लिए, डायरेक्ट नहीं जाती है, तो हर बच्चा स्कूल में होता है तो अपनी स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, स्कूल लेवल से फिर वो स्टेट की टीम के लिए सेलेक्ट होता है, तो कोई भी बच्चा है अपनी स्कूल की टीम को ज्वाइन करे, हॉकी खेल रही है अगर उनकी टीम, आप आइए, आप स्कूल लेवल का टूर्नामेंट जीतिए, अच्छी परफॉर्मेंस है, आप स्टेट लेवल की टीम में जाएंगे, फिर आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर आप आगे आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट के लिए ट्रायल्स नहीं होते हैं, ओपन जैसे टूर्नामेंट होते हैं जैसे सीनियर स्टेट टूर्नामेंट होता है तो उसके लिए तो फिर आप ऑलरेडी इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि आप कंपटीशन लेवल पर आ सकते हैं, बाकी बिगनर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट टीम के लिए आप स्कूल टीम ज्वाइन कीजिए या फिर ग्राउंड पर प्रैक्टिस कीजिए और फिर आइए जी।
और जैसे मान लीजिए अगर कोई नेशनल की टीम में सेलेक्ट हो रहा है तो उसकी किट वगैरह ये सब फ्री में प्रोवाइड होता है या कुछ करना पड़ता है उसके लिए भी, कुछ पे करना पड़ता है? नेशनल टीम में आपका इक्विपमेंट आपका अपना होना चाहिए, जैसे नेशनल टीम आपको नेशनल टीम फॉर इफ राजस्थान उस तरह से पूछ रहे हैं, राजस्थान से खेल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं राजस्थान से खेल रहा हूँ इक्विपमेंट मेरा अपना होना चाहिए, लाइक शूज, स्ट्रिक, ग्लव्स वगैरह ये सारा सामान होना चाहिए, बाकी टीम की जो किट है और जो ट्रैक सूट वगैरह है वो आपको काउंसिल या फिर डिपार्टमेंट या फिर एसोसिएशन प्रोवाइड करवा देता है, करवा देती है। और एक बात और हमें बताइए, अगर कोई राजस्थान में मतलब जयपुर में ऐसे में स्टेडियम में कोई बाहर का बच्चा प्रैक्टिस करने आ रहा है, जैसे राजस्थान का ही बच्चा है वो, तो क्या उसके लिए हॉस्टल की सुविधा प्रोवाइड होती है यहाँ पर? देखिए ऐसे डायरेक्टली आने के लिए तो नहीं होते, लेकिन राजस्थान ये स्पोर्ट्स काउंसिल जो हमारी है वो हर साल ट्रायल करवाती है लड़कों की और लड़कियों की दोनों की, लड़कियों की अकेडमी अजमेर में है जी और लड़कों की अकेडमी यहीं जयपुर में चलती है, अभी चलती है, तो आप आइए उस ट्रायल को दीजिए, आप सेलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपको हॉस्टल में सारे इक्विपमेंट्स, आपकी एजुकेशन फीस वगैरह, बाकी सारी जो भी चीज़ें आपकी ज़रूरत की है वो आप सबको प्रोवाइड करवाई जाती है और ये ग्राउंड तो है ही। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और गाइज ये थे हमारे साथ राजू जी, और गाइज अगर हॉकी से रिलेटेड कोई और सवाल है आपके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, और हाँ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स के वीडियो बनाकर ला सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।